quizzes. Going to school? No, going pizza party. Pizza party? Yes. You are going to school, beta? No! Then where are you going? Princess party. Princess party. Open the door. Papa is coming. Wait. Open the door. The Christmas church was here. Okay, Papa is coming. आ रहे बेटा पापा आ रहे. Okay. School today. Look. Yes. Halloween. Yes. Halloween. Yes. Papa, Halloween. Papa. Yes. Happy Halloween. तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं कुकू के स्कूल के पास. अब तो काफी एक्साइटेड है वो हेलोवीन वगैरह. Yes. Pumpkin. Yeah, Halloween. Halloween party. Halloween party. Well, the Halloween party will be on Thursday. When we started the decoration. Yes. If you, one of you, please. तो यहाँ पे कुकू का चेंजिंग रूम है, तो एवरीडे यहाँ पे चेंज करेगी. और ये कुकू का प्लेइंग रूम है. हेलो. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अगेन. एंड आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे, एकदम बढ़िया होंगे. तो अभी हम लोग जस्ट कुकू को स्कूल से छोड़ के आ रहे हैं, तो आज इसका फर्स्ट डे है. तो लास्ट वीक भी जाना था उसको, पर अभी ठीक हो गई है थोड़ा, तो आज से स्टार्ट कर दिया जाना. तो आज तो सुबह खुद ही उठ गई थी, मैंने पूछा था स्कूल जाना है तो बोलती यस. तो आज तो खुद ही रेडी भी थी स्कूल जाने के लिए, एक्साइटेड भी थी. और अभी देखा ही होगा आप लोगों ने, तो एकदम मिक्स हो गई बच्चों में, लग नहीं रहा है. मुझे लग रहा था काफ़ी रोएगी अगर, क्योंकि मेरे साथ ही रहती है हमेशा दिन भर, पर एकदम से खेलने में लग गई है बच्चों के साथ, तो अच्छा है. एकदम मिक्स हो गई है बच्चों के साथ, और स्कूल का इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा है. अभी हेलोवीन आने वाला है, तो पूरा डेकोरेट वगैरह किया है, तो वो हेलोवीन के जो कैरेक्टर देख रही है उससे भी वो काफ़ी खुश हो रही है, तो उससे अच्छा लग रहा है. नहीं, बिल्कुल भी नहीं रो रही है वो. क्लास पे गई वो? हा? क्लास पे गई. हाँ. बाय बोला. अब वो खेलने लगी उसके फ्रेंड के साथ ही. फ्रेंड पर आ गई उसे. हाँ, वो मैं दिखाऊंगी आपको, देखना आप वीडियो में. ठीक है. एंजॉय कर रही है, मजे आ रहे हैं उसको. सीपी भी इसका पूरा जो स्कूल है वो हेलोवीन इसके से डेकोरेट है ना. हाँ, स्कूपी थिंग. टुडे इज लाइक 26th. थर्सडे को शी हैव हेलोवीन पार्टी. ओह, इन हर स्कूल. थर्सडे. हाँ, चलो चलो आप जो ब्रश वश कर लो, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे. ठीक है. तो अभी हम लोग का ब्रेकफास्ट हो गया, मेरा और हनी का ब्रेकफास्ट हो चुका है. और यहाँ पे हनी पैड में अपनी कोई बुक वगैरह रीड कर रहा है, डैडी को कुछ होमवर्क वगैरह दिखे गए, क्योंकि हॉलीडेज हैं तो फुल टाइम टीवी देखेगा, तो उसको बिजी करने के लिए वो कुछ काम वाम उनको देखे गए हैं, तो वही कर रहा है कार्तिक हैं. और अब लंच का टाइम भी हो गया है, तो मैं लंच बना रही हूँ, एंड फिर कुकू को लेने भी हम लोग जाएंगे. तो मैं बस यही सोच रही हूँ, मेरे माइंड में यही चल रहा है कि कर क्या रही होगी वो, क्योंकि उस टाइम तो वो खुश थी, पर थोड़ी देर बाद तो उसको याद आई होगी हमारे कि मम्मा कहाँ चले गई, डैडी कहाँ चले गए.
तो उस टाइम तो बहुत उसको बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसको लग रहा था कि मम्मा डैडी यहीं पर ही हैं, बच्चों के साथ खेल रही हूँ, फिर मैं मम्मा डैडी के पास चले जाऊँगी। मुझे ऐसा लग रहा है, बस मुझे जानना है कि वो क्या कर रही है स्कूल में, मन कर रहा है मेरा। तो फ़ोन तो नहीं कर सकते यहाँ पर टीचर का फ़ोन यहाँ पर मिलता नहीं है। तो अब जाके बस मैं सोचूँ फटाफट से टाइम हो जाए और हम उसको लेने जाएँ, है ना हनी? कुकू को लेने जाए हैं? कैसा लग रहा है आपको कुकू के बिना? बोरिंग लग रहा है। It's like so quiet. Quiet, yes. क्योंकि नहीं, वो होती है और ये दोनों फिर उनकी रिमोट के चक्कर में होती है लड़ाई। और आज ही टीवी भी नहीं देखा है, है? आज ही टीवी भी देखा है, ये पढ़ाई कर रहा है। नहीं तो क्या होता कि मुझे किचन से इतनी बार आना पड़ता है इनकी कि उसको अपना देखना होता है, उसको अपना देखना होता है ये। और आज हनी को पूरा लिबर्टी है कि वो जो चाहे देखे, और आज हनी टीवी नहीं देख रहा है। छोड़ दिया क्यों? मन नहीं कर रहा है? नहीं ठीक है, छोटी के साथ। अच्छा ठीक है, बस अभी 2 बज गया है तो हम लोग 3 बजे निकलेंगे उसको लेने के लिए। तो फटाफट से लंच बना लेते हैं पहले। तो अभी हम लोग निकल गए हैं उसको लेने के लिए और यहाँ पे 3 बज गया है तो 3:15 बजे उसकी छुट्टी होगी। तो टीचर ने 3:15 का टाइम बताया आने के लिए। तो हनी अभी आया हुआ है पर हनी अंदर नहीं आ पाएगा क्योंकि जो 6+ है, 6 साल से ऊपर के बच्चे जो है वैक्सीनेटेड होने चाहिए। तो कार्तिकेयन तो वैक्सीनेटेड नहीं है। 6 साल की कोई बच्चे वैक्सीनेटेड 6+ जो भी है, 6+ 6 ईयर से ऊपर जो बच्चे है अलाउड नहीं है बेटा अंदर, क्योंकि अंदर छोटे छोटे बच्चे है ना, इसीलिए। तो आप वेट कर लेना ना, वेट कर लेना। और हम लोग काफी एक्साइटेड है कुकू का रिएक्शन देखने के लिए, है ना हनी? पर हनी नहीं देख पाएगा। नहीं नहीं, okay, I will record we'll go in the driveway, यार वहीं मिलेगी। अच्छा नीचे ही मिलेगी पार्किंग में? ओके तो हनी, ओके हनी फिर तो अच्छा हो गया। मुझे लगा था कि हम जैसे मॉर्निंग में क्लासरूम में गए थे ना, क्लासरूम में नहीं जाएंगे। अच्छा क्लासरूम, अच्छा नीचे, अच्छा ओके ओके पार्किंग से ही, ओके डायरेक्ट वहीं मिलेगी फिर तो हनी भी देख सकता है। तो अभी हम जा रहे हैं पार्किंग में क्योंकि कुकू हमें नीचे ही मिलेगी। तो हमने कुकू को पिक कर लिया है। कुकू यू लाइक द स्कूल? नो यू वांट टू गो टुमारो? कुकू कुकू स्कूल इज गुड? व्हाई बेबी? आपने लंच खाया? यस फिनिश? ओके You will go tomorrow, school? Yeah, but apple is good. Apple is good? You like apple? Yes, what is it? Okay, good girl. अरे यार इससे मुड़ लेता है ना जान मेरा। Eat. Teeth भी दिखा रही है, eat. Good girl. Good girl. Yes, good girl. What's your salad? Auntie is good, auntie? Teacher good. You will go tomorrow, na? Tomorrow also, na? You will go school tomorrow? No. Why, baby? कुकू स्कूल से आते हुए रास्ते में ही सो गई थी, थक गई हुई कुकू। हेलो हेलो, वेयर इज अ बेबी? बेबी ओ बेबी इज स्ट्रॉलिंग। व्हाट इज माय बेबी बूबू? ओ ये बेबी बूबू, ओके माय ओजी बॉय किमी। ओके किमी लगा देंगे। ओके ओके कुकू बूबू किमी इज वाज टच बस टॉट किमी इज वाज शेयर। Okay, what is the name? Honey pot. Huh?
इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, तो आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय कर दो। ठीक है, बाय बाय बाय, सी यू टुमारो, चूज़।